Hi, Manmohan, author and NLP master trainer. अगर आप किसी ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं जो बहुत ही पेनफुल है, जैसे कोई अर्थराइटिस हो सकती है जिसे हम गठिया कहते हैं, तो ये स्टोरी आपको जरूर देखनी चाहिए। ये स्टोरी है फ्रेंड्स डॉक्टर नॉर्मन कजिन्स की, COUSINS कजिन्स की, जो 1964 में एक ऐसी बीमारी से पीड़ित थे जो ठीक नहीं हो सकती थी और जिसके लिए वो हर रोज करीब 22 एस्प्रिंस और पेन किलर्स लेते थे। तभी उनकी जब उनकी हालत खराब होती जा रही थी, और वो इसलिए हुई कि वो रशिया के किसी ट्रिप पे गए और वहां पे वो इतने एग्जॉस्ट हो गए कि उनको चलना फिरना बिल्कुल मुश्किल हो गया। वैसे भी डॉक्टर बताते थे कि इस बीमारी में केवल 500 में से एक का ठीक होने का चांसेस होता है। तो ये बीमारी एक ऐसी बीमारी थी जो उनको हर रोज मार रही थी और हर रोज उनको बहुत पेनफुल एक सिचुएशन से निकलना पड़ रहा था और इतनी दवाइयां खानी पड़ रही थी कि जिनसे उनको कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था। जब भी आप पेन किलर्स लेते हैं तो पेन किलर्स एड्रेनल ग्लैंड में जो विटामिन सी होती है उसको बनाना बंद कर देते हैं, उसको सप्रेस कर देते हैं, और जो ये विटामिन सी होती है इसी से ही वो टिश्यूज बनते हैं जो अंदर की बीमारी को ठीक करते हैं। लेकिन इसी समय उनकी मुलाकात हुई मिस्टर हैंस से, जो कि एक साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजिस्ट है। ये एक नई शुरुआत थी मेडिकल साइंस में 1960s में, जहां पे अपनी सोच और इम्यूनोलॉजी को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब वो बीमार थे और हॉस्पिटल में थे और ये दवाइयां उनको काम नहीं कर रही थी, तो तभी उन्होंने एक दिन डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर, मेरे ख्याल से हॉस्पिटल स्वस्थ होने की जगह नहीं है। तो ये बहुत ही फनी लगता था। और डॉक्टर से उन्होंने कहा कि अब हम को जो हमारी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो चेंज करनी है, अगर आप मेरा साथ दें तो। डॉक्टर ने बोला यस गो हैड। तो उन्होंने कहा कि कल से मुझे दवाइयां बंद करनी है और हर रोज कम से कम कुछ मूवीज देखनी है जो लाफ्टर की हो, जिनसे मैं हंस सकूं। डॉक्टर को पहले तो थोड़ा सा असमंजस लगा, लेकिन उन्होंने बोला ठीक है गो हैड। तो डॉक्टर नॉर्मन ने ये हंसी वाली कुछ पिक्चर्स देखनी शुरू करी, अपने दोस्तों से हंसी मजाक के जोक्स करना शुरू करे, और ये हॉस्पिटल में जब वो ये पिक्चर देखते थे जो चार्ली चैपलिन की या जो हंसी वाली थी, तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि इन लाफ्टर के सेशंस के बाद में तो उनके जो पॉइंट्स थे जिनसे पता चलता था कि बीमारी कितनी है, वो कम से कम 5 पॉइंट नीचे आ गई। और यहां से पता चला डॉक्टर नॉर्मन को कि अस्पताल ठीक होने की जगह नहीं है, और उन्होंने एक फैसला लिया, अस्पताल को छोड़कर एक गेस्ट हाउस में चले गए और वहां पर वो उन पिक्चर्स को देखते जो हंसाने वाली थी, अपने दोस्तों के साथ जोक्स करते, और उनको एक ऐसे एस्टोनिशिंग रिजल्ट्स पैदा मिलने लगे और वो ठीक होने लगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि कुछ समय बाद वो पूरी तरह ठीक हो गए और अपनी उम्र से 20 ईयर्स और जिए और 75 साल की उम्र तक उन्होंने अपनी लाइफ को एंजॉय किया। ये स्टोरी हमको ये प्रेरणा देती है कि कई बार सर्वाइवल इज द फिटेस्ट। डॉक्टर के पास जाना हो या छोड़ना हो, दवाई लेनी हो या दवाई छोड़नी हो, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा जीवित रहना, हमारा सर्वाइव करना। डॉक्टर नॉर्मन कजिन्स की स्टोरी से हमको यह पता चलता है कि इस स्टोरी से केवल दवाइयां ही इलाज नहीं होती। हमारी उनको एक चीज ये समझ में आई थी कि वो एंजाइटी में रहते थे, नेगेटिव सोचते थे कि मुझे क्या हो जाएगा। उनको एक ट्रिक पता चल गया, अगर नेगेटिव सोचने से मैं बीमार हो सकता हूं तो पॉजिटिव सोचने से मैं ठीक भी तो हो सकता हूं। तो उन्होंने इसी चीज को पकड़ा, उन्होंने लव, फेथ, लाफ्टर और कॉन्फिडेंस, इनको बिल्डअप करना शुरू किया, हंसना शुरू किया, और जब हंसना शुरू किया तो जो नेगेटिव सोचने से माइंड जो केमिकल्स पैदा करता था बीमारी के, तो पॉजिटिव सोचने से हेल्दीनेस के केमिकल्स पैदा शुरू कर दिए उन्होंने। और यही है, जब हम खुश होते हैं तो हमारी बॉडी वो केमिकल्स सेक्रेट्स करती है जिससे हम स्वस्थ होते हैं, और जब हम नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव का मतलब फ्रस्ट्रेशन, उदासी,
और ऐसी ऐसी इमोशंस जो जो हमको नेगेटिव देती देती है, तो वो हमारे माइंड में ऐसे केमिकल्स भी पैदा करती हैं जिनसे हम और बीमार होते हैं। तो डॉक्टर नॉर्मन कमिंस की ये थ्योरी जो लाफ्टर है, ये एक हमको ये कहती है कि अगर किसी को ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती है, गठिया है, अर्थराइटिस है और एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो उनकी बीमारी थी, जब वो ठीक हो सकती है तो हम अपने विचारों को चेंज करके साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी को अंडरस्टैंड करके अपने स्वास्थ्य को एंजॉय कर सकते हैं। साइको मीन सोच, न्यूरो मीन हमारा नर्वस सिस्टम और इम्यूनोलॉजी हमारे इम्यून सिस्टम, उसको हम अगर पॉजिटिव सिग्नल्स दें, हम लव फेथ और हंसी को यूज करें, तो हमारी बॉडी खुद सक्षम है ऐसे केमिकल्स को प्रोड्यूस करने में जो हमको स्वस्थ करते हैं। अगर ये आपको स्टोरी पसंद आए तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने हर उस आदमी को शेयर करें जिसको आप प्यार करते हैं। स्टे लॉन्ग, लिव लॉन्ग, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।